हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और आज मैं सोच रहा हूं कुछ मटन शटन बनाया जाए। मटन है मेरे पास और इसको फ्लेवर करूंगा मैं कुछ कसूरी मेथी के साथ। तो मेथी गोश्त बनाते हैं आज। तो सबसे पहले, क्योंकि मटन है, बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो एक प्रेशर कुकर को हीट कर लेते हैं और प्रेशर कुकर में मैं डालूंगा ऑयल। काफ़ी सिंपल सी ये रेसिपी है बट स्वाद जो है इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेल थोड़ा ज़्यादा लिया मैंने यहाँ पर और अनियन है तो चलिए इसे स्लाइस कर लेते हैं। सो अनियंस हमारे हो गए स्लाइस, दैट्स इट। तो तेल गरम हो चुका है अच्छी तरह से। इसमें मैं डालूंगा 2-4 इलायची, पेपरकॉर्न्स, क्लोव्स, एक बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक और तेज़पत्ता। हल्का सा ये सौते हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगा प्याज और चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और सौते करेंगे हमारे प्याज को जब तक ये नाइस ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। तो अनियंस हमारे अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ ग्रीन चिलीज जिनको मैं स्लिट कर लूँगा। इस तरह से इन्हें स्लिट करके इसे भी हम डाल देंगे। अब जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से हम सौते करेंगे। फ्रेश जिंजर गार्लिक की खुशबू और अब मैं इसमें डालूंगा मटन। ये मटन ऑन द बोन है, नाइसली क्लीन एंड वॉश। मटन को अच्छी तरह से भूनना है हमें तेज़ आंच पर ताकि उसका जो आउटर लेयर है वो सियर हो जाए और उसके जूस इंटैक रहे। अब मेरे पास यहाँ पर दही है तो दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। तो मटन अच्छे से भून चुका है, अब बारी आती है मसालों की। तो नमक डाल लेते हैं पहले, साथ ही में थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे ही मसाला हल्का सा पक जाए फ्लेम करेंगे कम और अब मैं डालूंगा इसमें दही। अब दही को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है गोश्त के साथ। तो दही के साथ मटन अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगा पानी। एक बारी मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से और ढक्कन लगा के अंडर प्रेशर कुक करना है फॉर अराउंड 7-8 विसल्स। सो करीबन 7-8 सीटी हो चुकी है, मटन ऑलमोस्ट पक चुका होगा, इसका प्रेशर भी निकल गया है। लेट्स चेक। जी हाँ, आप देख सकते हो मटन अच्छी तरह से पक गया है, हड्डी छोड़ दी है इसने, काफ़ी मस्त ये गल चुका है। तो फिर से एक बारी गैस चालू करके हमें इसे थोड़ा पकाना है तब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड सम नटीनेस टू दिस। मैं डालूंगा बादाम का पेस्ट। बादाम को अच्छी तरह से ब्लांच करके उसकी स्किन निकाल के उसे ग्राइंड करना है एक स्मूथ पेस्ट में। तो अब बारी आती है इसमें मेथी डालने की। तो इसमें मैं डालूंगा कसूरी मेथी। तो ये इसमें आ गया, ये नागौरी वैरायटी की कसूरी मेथी है जिसमें ज़्यादा लीव्स होती है, स्टेम्स कम होते हैं और ये मोर ब्राइटर इन कलर होती है, ग्रीन होती है। तो ये इसके अंदर काफ़ी बढ़िया खुशबू। तो अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मेथी का स्वाद मटन में आ जाए और सारे मसाले एक तरह से मिल जाए और थोड़ा सा ये ग्रेवी थिक हो जाए एंड इट विल बी रेडी टू सर्व। सो देखिए अब ये थिक हो चुका है, अच्छे से पक चुका है अरोमा ऑफ मेथी। अब मैं डालूंगा बस थोड़ा सा गरम मसाला। आई एम गोइंग टू शट द गैस, एक बार मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से एंड लीजिए हमारा मेथी गोश्त तैयार है। फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं, सर्व करते हैं इसे। बढ़िया से पक चुका है हमारा मटन, नाइस एंड टेंडर।
फाइनली गार्निश करेंगे जस्ट टू ब्रेक द कलर। सो आप इसे किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठा, नान, रोटी या फिर प्लेन स्टीम राइस। आई लाइक इट विथ प्लेन स्टीम राइस। आप इसे ट्राई कीजिए अपने अंदाज में एंड डू लेट मी नो हाउ इट टर्न्स। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपी डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना।